आज मैं बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। वो 2 मिनट्स में हमारी रेडी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने लिया है फोक और ओरियो लिया है और मिल्क लिया है। आप ओरियो को पैकेट में भी क्रश कर सकते हो, बाहर निकाल के भी क्रश कर सकते हो। तो मैंने इसको पैकेट में ही क्रश कर लिया है। अब इसको हम इस ग्लास में निकालेंगे। तो मैंने ओरियो निकाल लिया है इसमें। बिल्कुल आपको थोड़ा सा क्रश करना है, आप थोड़ा सा क्रश कर लो। पूरा क्रश करना है, पूरा क्रश कर लो। तो मैं इसको पहले अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। तो मैंने इसको इतना क्रश कर लिया है, देखो। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क थोड़ा सा। तो मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मिल्क डाल दूंगी। तो हमने मिल्क डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखो बिल्कुल बैटर बन गया है ये। तो अब मैं इसको ओवन में डाल दूंगी। मैं इसको ओवन में डाल देती हूँ। देखो मैं इसको ओवन में डाल के बंद कर दिया मैंने ओवन। सो मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखो तो ये अभी बेक हो रहा है। सो हमारा हो चुका है बेक। अब हम इसको निकाल लेंगे। सो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से बेक हो गया है। बिल्कुल देखो पफ बन गया है। बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुआ है। देखो बिल्कुल पफ। इसको मैंने 60 सेकंड बेक किया है। आप भी 60 सेकंड बेक कर सकते हैं और बिल्कुल ये 2 मिनट्स में बन के रेडी हो गया है। देखो कितना सॉफ्ट है। सो आप इस पे मेल्ट करके चॉकलेट भी डाल सकते हैं, या आपके पास न्यूटेला है तो न्यूटेला भी डाल सकते हैं। तो मैं इस पे न्यूटेला डाल दूँगी थोड़ा सा। पास न्यूटेला है तो, अगर आपके पास भी न्यूटेला है तो आप न्यूटेला डाल सकते हैं। मैंने इसमें न्यूटेला डाल दिया है। और ये देखो मैं ले आई हूँ। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। और ये बिल्कुल 2 मिनट्स में रेडी हुआ है। बहुत टेस्टी है। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करना। ये देखो है ना, देखो कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप भी ट्राई करना और फिर मेरे को कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, टेस्टी लगा। मेरे को कमेंट करके जल्दी बताना और ये अपने घर पे जरूर ट्राई करना। बाय बाय। I've seen you in my dreams. I'm feeling like in the first time we